सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू आर चैनल। तो काफ़ी दिन हो गया अभी तक मैंने ये व्लॉग, आप शायद वेट कर रहे होंगे गुरुद्वारे का। तो एक्चुअली वाईफाई वगैरह नहीं चल रहा था घर पे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी तो डिले हो गया। तो आगे बढ़ते तो गाइज, आज आपने देख लिया नज़ारा, रात का था, अभी सुबह हो चुकी है। अब हम लोग जाएंगे गुरुद्वारे दर्शन करने। ये लोग शायद दोनों भाई और मेरे हस्बैंड तो दर्शन कर आए थे, हम लोग ने नहीं किया था, तो अब जा रहे हैं दर्शन करने गुरुद्वारे का। देखते हैं। तो ये जो सारा एरिया आप देख रहे हैं ना, वो पूरा कैंपस है गुरुद्वारे का, जहाँ पे रहने का स्थान था ना, बस ये अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क करने के लिए है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो वाले देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे जो वहाँ पे सेवादारी हैं उन्हीं लोगों को मिला हुआ है अपार्टमेंट सारे। और तो बस हम लोग आगे बढ़ते हैं और गुरुद्वारे की तरफ बढ़ते हैं, तो माथा टेकेंगे। माथा टेकने के बाद फिर हम लोग गुरु का लंगर छकेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो गुरुद्वारे के अंदर के दर्शन हो गए हैं। और ये पीछे की साइड में ये सरोवर है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा था, कलरफुल फिशेस थी इसमें। अच्छा, गुरुद्वारे की तरफ कुछ भी कैमरा आपको कुछ भी कैप्चर करना अलाउ नहीं था, ना फोटो ना वीडियो ना कुछ, बस टाइम पाक के मैंने जैसे तैसे करके आपके लिए ये शूट किया है। हालांकि कुछ भी अलाउ नहीं था, तो फ़ोन एड़ा टेढ़ा तिरछा विरछा जा रहा है, तो थोड़ा इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत डर भी लग रहा था, कर तो रही थी पर बहुत डर लग रहा था। तो जितना मेरे से हो सका, फिर मैंने वहाँ पे एक सेवादारी थे, मैंने उनसे थोड़ी परमिशन मांगी, क्योंकि मुझे ऐसे करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, परमिशन मांगी तो उन्होंने अलाउ कर दिया। ठीक है, तो जितना हो सका है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। चेन के तो नैनीताल और ये जो आप टैप देख रहे हैं ना, ये हैंडपम्प वाला, ये कुएं से पानी आ रहा है। और इसको लोग पी के कहते हैं कि एक सारी जो बीमारियां होती ख़त्म होती हैं, लोग भर के घर भी ले जा रहे थे। आखिर चुपचाप सा बस तो पड़ा है ये मेन दरबार है जहाँ अभी आपको आपने वाणी को देखा, लेकिन इस टाइम अंदर काम चल रहा था तो ये वाला दरबार बंद करके दूसरी जगह पे ग्रंथ साहब रखा गया है, वहाँ पे दर्शन किए थे हम लोगों ने। सामने ये पिन्नी प्रसाद का काउंटर था, यहाँ पे सभी को मिल रहे थे कड़ा प्रसाद, मतलब माथा टेकते जाइए और वहाँ से आप अपना प्रसाद लेते जाइए। कड़ा प्रसाद भी खा लिया अब हम लोग ने। अभी हम लोग ने जूते नहीं पहने हैं अपने, क्योंकि अब हम लोगों को जाना है लंगर खाने के लिए। तो लंगर छकने के बाद फिर हम लोग वापस यहाँ आएंगे और शू को वेयर करेंगे। हाँ, लंगर में खिचड़ी, पालक, दाल, खीर, फुलका, मज़ा आ गया। 24 घंटा यहाँ पे लंगर की सेवा चलती है, तो हैट्स ऑफ है सेवादारी की जो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। और प्लीज़ मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लंगर छक रहे हैं तो उतना ही लें जितना आप लोग खा सकें, प्लीज़ उसको ज़ाया मत करें। चाय बना दिए तो दुनिया।
उसके बाद हम लोग फिर मार्केट, गुरुद्वारे के बाहर ही ये मार्केट है और यहाँ पे मेला लगता रहता है, उस दिन भी मेला लगा था। तो हम लोगों को पीनी थी चाय, तो हम लोग वापस उसी जगह पे चाय पीने के लिए आ गए हैं जहाँ पे एक दिन पहले रात में पी थी। तो बाहर ये सारे कड़े लगे हुए थे, वाणी को लेना था कड़ा, पिछले साल लिया था यहीं से आके, लेकिन उसका फिर कहीं खो गया है। तो अब वो अपना चूज़ करी कि कौन सा लूँ, क्योंकि बड़े थे सारे साइजेस में, तो अभी मिल जाएगा आगे, देखते हैं। देखो नीचे तो नहीं जा रहा है, नहीं बड़ा है, देखो तो पहन के। हाँ मेरे पन्नी मामा को तो बी पास है रिसा था, मामा को बोलो, मामा को देखते देखो, कुछ खपे कुछ कर्मेंडर वर्मेंडर घी मिल है, सही लगे ही दो ऐसे। तो गाइस हो गई हम लोगों की चाय, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे का व्लॉग मैं आपके साथ कल या परसों में शेयर करती हूँ, बने रहिएगा, अभी आगे बहुत कुछ है। तब तक के लिए बाय बाय।